एब्सोल्यूट सरकार बनाकर नीतीश कुमार को बिहार की जनता तमाचा मारने का काम करेगी। साहब ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा ठगा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा है। एक पुल का नाम बताएं जो वो अपने पैसे से कराते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेशन में, आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और आपको बता दें कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उन्हें पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया और माला पहनाया गया। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो जमकर हमलावर हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप तैयार हो जाइए, जनता आपका हिसाब लेगी और बीजेपी भी आपका हिसाब लेगी। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। बिहार के जनमानस की आवाज सरकार तक पहुंचाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है, हम इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को, विशेष तौर पर उनको भी मैं आग्रह कर धन्यवाद भी देना चाहता हूं। यह अब आप ही एक रास्ता है, जनमानस में किन चीजों की चिंता हो रही है, कहां नीतीश कुमार की सरकार फेल हो रही है, जो वादे किए हैं उसको कहां निभाया नहीं जा रहा है, जो सपने दिखाए गए हैं 20 लाख पक्की नौकरी का गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती से, उसको यदि नीतीश कुमार जी पूरा नहीं करते तो उसको सचेत करने का। और हमारे तमाम जो विधान परिषद के सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, ये तमाम 76 लोग, हम लोग विधानसभा में इसकी आवाज बनकर विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में काम करेंगे और विधान परिषद में जो हमारे 23 माननीय विधान परिषद सदस्य हैं, सभी लोग पूरे बिहार की चिंता करेंगे। जो जंगल राज स्थापित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो जंगल राज स्थापित उनको नहीं करने देंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में कमल का 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे और 2025 के चुनाव में यहाँ एब्सोल्यूट सरकार बनाकर नीतीश कुमार को बिहार की जनता तमाचा मारने का काम करेगी। साथ ही बिहार में जिस तरह विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया है, जनता के जनमानस का अपमान किया है, जनमत का अपमान किया है, और जिस तरह आपने देखा लालू जी कहते थे कि नीतीश वैसा व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा ठगा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा है, आज उसी ठगबंधन का गठबंधन हो गया है। तो हम लोगों को उनसे लड़ना है, जंगल राज स्थापित नहीं होने देना है, बिहार के विकास को और गति देना है। और हम तो पूछना चाहते हैं, अब तो लगातार हम लोगों का काम ही है, हम ये जानना भी चाहते हैं नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से, गंगा पे जितने पुल बने वो कहते हैं कि हमने कराया है, तो हम तो जानना चाहते हैं 13 पुल में लगभग काम लगे हैं, एक पुल का नाम बताएं जो वो अपने पैसे से कराते हो, चाहे वो 2 ब्रिज का काम राज्य सरकार ने किया सुल्तानगंज और एक आरा से छपरा, वो दोनों ब्रिज भी नाबार्ड के पैसे से भारत सरकार ने पैसा दिया, और जितना ब्रिज बन रहा है सारे तथ्यों को हम लोग स्पष्ट तौर पर रखेंगे। गांधी सेतु हो, सोनपुर ब्रिज हो, या सोनपुर ब्रिज के बगल में ब्रिज बन रहा हो, चाहे वो साहबगंज पूर्णिया के इलाके में कटिहार को जोड़ने वाला ब्रिज हो, मुंगेर का ब्रिज हो, भागलपुर का ब्रिज हो, सभी ब्रिज को भारत सरकार के अनुदान के द्वारा बनाने का काम किया गया।